हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेबी एल्बम बनाने जा रहे हैं। ये एक बेबी गर्ल के लिए एल्बम है, तो थीम इज बेबी गर्ल एल्बम। इसके लिए हमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, जिसकी ज़रूरत है, वो है ये कटआउट्स। ये चिप बोर्ड के कटआउट्स हैं, ये जो कि आपको अपनी किट में मिले होंगे। ये सब इसके लिए शीट्स हैं, ये स्टिकर शीट्स हैं, ये 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 और ये सब इसके मैटर्स हैं, और ये इसकी प्लेन शीट्स हैं और कलर्ड शीट्स, जो कि आपको पेजेस के लिए ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको चाहिए चिप बोर्ड के ये कटआउट्स, जिसमें स्टार्स हैं छोटे और बड़े, ब्यूटीफुल गर्ल के कटआउट्स हैं लेटर्स के, सर्कल्स हैं, एल्बम रिंग्स हैं जिनको हम ओ रिंग बोलते हैं, शार्पनर, इरेजर, पेंसिल, फैब्रिक ग्लू, स्टिकल्स, एक पेपर नाइफ, एक पंच होल, ब्रश, सिजर्स, कुछ राफिया और पेपर ट्वाइंस, स्केल और एक्रिलिक कलर्स और सम वाटर। अब हम इन स्टिकर की शीट्स को फसी कट करेंगे। फसी कट का मतलब होता है जब आप किसी भी शेप को काटते हुए उसके चारों तरफ व्हाइट लाइन छोड़ते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, फसी कट हो गया। इसी तरह से हमारी जो ये शेप्स हैं, वेल है, हिपोपोटामस है, इनको भी हम इसी तरह से फसी कट करके निकालेंगे। आप देख सकते हो कि स्टिकर्स का पेपर काफी मोटा है। ये पेपर की थिकनेस इन स्टिकर्स को 3D इफेक्ट देती है, तो जब आप इनको अपनी एल्बम में यूज करोगे, लगाओगे, ये आपको एकदम से उभरा हुआ लुक देंगे। देखिए, हमने ये सब स्टिकर्स फसी कट कर कर रख लिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सारे बॉर्डर्स, सब मैटर्स, स्टिकर्स, एवरीथिंग, सब चीज़ें फसी कट हैं। अब हम जो हमारे चिप बोर्ड के लेटर्स थे, उनको कलर करेंगे। सिंपल बिना पानी के ब्रश में कलर लीजिए और उसको इसके ऊपर लगा दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने ये सब कटआउट्स कलर कर लिए। ये कलर जो हमने यूज किया है, ये एक्रिलिक कलर है।
आप कलर्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में कलर किया जाए, आप कोई भी लेटर किसी भी कलर में कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से सीक्वेंस रखी है कलर्स की, ये जो अंदर हमें स्टार्स रिक्वायर्ड हैं ये कलर कर लिए और ये सारे लेटर्स कलर कर लिए। अब हम अपना फर्स्ट पेज तैयार करेंगे, उसके लिए आपका इस कलर का पैटर्न पेपर ले लीजिए और उस पर फर्स्ट पेज रख के उसके चारों तरफ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कीजिए। ध्यान रहे पेंसिल बिल्कुल किनारे पर चलनी चाहिए, नहीं तो जब आप इसकी कटिंग करोगे पेपर फालतू होगा, जिसको बाद में काटना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा इस पे पैटर्न ड्रॉ हो गया, अब हम इसको कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर ली पेपर की, अब हम इसके ऊपर इसको पेस्ट करेंगे। किनारों पर हमेशा अच्छे से ग्लू लगाइए, क्योंकि अधिकतर किनारों पर पेस्टिंग उतर जाती है। बीच में भी जरूर लगाइए और इसको हाथ से फैलाइए जरूर। अब इसके ऊपर इसको प्लेस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट पेज रेडी है। इसको पलट कर पीछे की तरफ से होल पंच से इसमें पंच कर देंगे, इस तरीके से। ये ऐसे फर्स्ट पेज हमारा फर्स्ट लेआउट रेडी है। अब इसके ऊपर हम अपनी डेकोरेशन करेंगे। उससे पहले हम इसी तरीके से पीछे से भी एक पेज काट लेंगे। मैं आपको फॉर्मेशन और लेआउट हर पेज की समझा देती हूँ। सेकंड पेज को भी इसी तरीके से पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे चारों तरफ से। और इसको भी कट कर लेंगे। अब आप हर पेज पर 1 और 2 डाल दीजिए। ये पेज मैंने पहले से चिपका के तैयार रखा हुआ है, ये सेकंड है। लाइक ये 1 था तो ये 2। इससे आपको याद रहेगा कि आपको किस पेज पर कौन सा पेपर चिपकाना है। हमारा 1 पेज पर ये डॉटेड था, सेकंड पेज हमारा दूसरा होगा, थर्ड पेज हमारा ये जिसपे भी हमने निशान लगाया। और इसी तरीके से हम हर पेज पर 1 और 2 लिखकर उसकी कटिंग करके पेस्टिंग करके लेआउट तैयार करेंगे। बॉटल के फ्रंट कवर पर ऊपर वाले पोर्शन में हम दूसरे कलर की कटिंग देंगे। उसके लिए इस पोर्शन को हम पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे। और इसको कट कर लेंगे। कट करने के लिए हमने जब इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, हम इसको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अब हम इसको कटिंग करेंगे। ये हमने सारे पेजेस रेडी कर लिए हैं। ये हमारा सबसे पहले पेज के बाद का दूसरा पेज है, यानी सेकंड पेज। पेज 1, पेज 2। आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि हमने किस पेज पर कौन सा पैटर्न पेपर चिपकाया है। पेज 1, पेज 2। अभी हमारा थर्ड पेज है, पेज 1, पेज 2। पेज 1, पेज 2। ये हमारा फोर्थ पेज है, पेज 1,
पेज टू, फोर्थ पेज है वन एंड टू, फिफ्थ पेज वन एंड टू, एंड द लास्ट पेज यानी सिक्स्थ पेज वन एंड टू. दिस इज द लास्ट पेज ऑफ आर एल्बम. ये आखिरी पेज है हमारी एल्बम का. अब हम सबसे पहले वाला पेज तैयार करेंगे. लेआउट के लिए हमें जो सामान है हम वो लेकर आते हैं.